आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी के हैंड ब्रेक के बारे में। गाड़ी के हैंड ब्रेक को लगाते समय यूजुअली लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और आप उन गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और गाड़ी की हैंड ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक आप इसको बोलते हैं तो पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक काम कैसे करती है, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल ब्रेक से कैसे अलग होती है, आप इसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रही अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक, हर किसी गाड़ी में आती है, महंगी हो सस्ती हो जैसे भी हो, हर गाड़ी में हैंड ब्रेक तो आती आती है और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ भी करते हैं। जैसे मैंने अभी अपनी गाड़ी पार्क की हुई है तभी मैंने हैंड ब्रेक लगा रखी है और हर कोई इसको यूज करता है। तो आपने कभी सोचा है कि आप जो हैंड ब्रेक यूज करते हो ये काम कैसे करती है, आपकी जो नॉर्मल ब्रेक होती है उससे क्या ये अलग है या फिर सेम है, कैसे फंक्शन होता है, कैसे आपको इसको यूज करना चाहिए? तो अगर आपके मन में सारे डाउट हैं तो ये सारे डाउट आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो आपका ये हैंड ब्रेक होता है ये नॉर्मल आपके जो ब्रेक होती है कार की उसकी तरह काम नहीं करता है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। जो आपकी नॉर्मल ब्रेक्स होती हैं जिसको आप लोग यूजली अप्लाई करते हो जो आप गाड़ी चलाते हो तो क्या होती हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करती हैं। और ये वाली जो आपकी ब्रेक होती है इसका जो पूरा काम करने का तरीका होता है बहुत ही सिंपल होता है। आप लोगों ने बचपन में दोस्तों साइकिल ज़रूर चलाई होगी और साइकिल में आपने अगर ब्रेक्स जो लगाते थे आपको याद होगा तो उसमें हमारे दोनों हाथों में दो ब्रेक्स होती थी, एक लेफ्ट वाले हैंड में एक राइट वाले हैंड में। और जब हमें पीछे वाले टायर में ब्रेक लगानी होती थी तो हम लेफ़्ट वाली यूज करते थे और आगे वाले में लगानी होती थी राइट वाली यूज करते थे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्रेक जहाँ पे होती थी वहाँ से वायर्स होते थे, वायर्स जाके कनेक्टेड रहते थे ब्रेक पैड से जो आपके आगे और पीछे वाले टायर में होते थे। और जैसे ही हम अपना लीवर प्रेस करते थे वहाँ पर जाके जो आपके ब्रेक पैड्स हैं आपके जाके साइकिल की जो रिम होती थी उससे जाके चिपक जाते थे और आपकी साइकिल में ब्रेक लग जाती थी। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपकी हैंड ब्रेक भी काम करती है। तो जो आपका ये हैंड ब्रेक का लीवर है जो भी आप देख रहे हो इसके नीचे एक्चुअली दो वायर्स निकले होते हैं, एक जाता है लेफ्ट साइड में एक जाता है राइट साइड में। और जो हैंड ब्रेक के दोनों वायर्स हैं जाके आपके पीछे वाले जो रियर व्हील्स होते हैं उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, एक वायर जाके आपके पीछे वाले लेफ्ट वाले रियर व्हील से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वायर जाके आपके राइट वाले रियर व्हील से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप इसको इंगेज करते हो अपने हैंड ब्रेक आप ऐसे लगाते हो आपका क्या होता है कि दोनों वायर्स जो होते हैं बिल्कुल खिंच जाते हैं और आपके जो ब्रेक पैड्स होते हैं जाके ड्रम से पीछे चिपक जाते हैं और आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाती है। तो बहुत सिंपल तरीका होता है हैंड ब्रेक के काम करने का और आपकी जो नॉर्मल ब्रेक है बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी हैंड ब्रेक काम कैसे करता है, नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम से अलग होता है। और हाँ, इसका जो ब्रेक का इंटेंसिटी होता है नॉर्मल ब्रेकिंग से कम होती है, मतलब आपकी जो नॉर्मल ब्रेक्स होती हैं दोस्तों आप देखते होंगे कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं और नॉर्मल ब्रेक आप जैसे प्रेस करते हैं गाड़ी आपकी ऑल ऑफ सडन रुक जाती है, तो उसकी जो पावर होती है उसका जो आई थिंक कैपेसिटी आप बोल सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका उतना नहीं होता है क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है बहुत सिंपल है। तो अगर आप चलती गाड़ी में अपनी हैंड ब्रेक आप लगा दोगे तो आपकी गाड़ी एकदम से रुकेगी नहीं, बस क्या करेगी ये थोड़ा सा आपकी गाड़ी को स्लो कर देगी और धीरे धीरे करके आपकी गाड़ी को उस दूर पे जाके रुक जाएगी, लेकिन नॉर्मल ब्रेक की तरह एकदम से आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हैंड ब्रेक होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक आपके सिर्फ पीछे वाले टायर्स पर लगती है, आगे वाले टायर से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो आगे वाले टायर पे बिल्कुल भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है तो अप्लाई नहीं होती है जब भी आप इसको इंगेज करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे वाले टायर्स को लॉक करती है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि इसकी इंटेंसिटी कम होने का, क्योंकि ये सिर्फ दो ही टायर पर आपके काम करती है जबकि आपकी जो नॉर्मल ब्रेक है आपके चारों टायर्स पर काम करती है, तो इसलिए भी उसका जो इंटेंसिटी है ब्रेक का वो काफ़ी ज़्यादा होता है आपकी पार्किंग ब्रेक के मुकाबले। तो दोस्तों बात करते हैं किन किन सिचुएशन में आप इस हैंड ब्रेक का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, सबको पता होगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल है। अगर आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो कहीं पे तो आप इसको इंगेज कर सकते हो ताकि आपकी गाड़ी कहीं इधर उधर आगे पीछे ना भागे अगर स्लोप हो तो। दूसरा यूज़ आपको मैंने बताया इनकेस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक वगैरह फेल होती है तो भी इसको आप यूज़ करके अपनी गाड़ी को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, धीरे धीरे आपकी गाड़ी रुक सकती है। तीसरा, जब आप पहाड़ी रास्ते पे चलते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोपी एरिया होता है या फिर आप कहीं
मान लीजिए किसी ऐसे ओवरब्रिज वगैरह पे खड़े हो, स्लोप पे खड़े हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पीछे जा सकती है, तो जो नए ड्राइवर होते हैं वो बेसिकली हैंड ब्रेक का यूज़ करके अपनी गाड़ी को उठा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी एक बार रुक जाती है तो कई लोग उसको अपने क्लच और क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर के उस सामंजस्य से उसको नहीं उठा पाते हैं, गाड़ी उनकी पीछे जाने लगती है। उस केस में इस हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का यूज करके अपनी गाड़ी आराम से आप आगे उठा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी आपके पीछे नहीं जाएगी, तो भी एक बहुत बढ़िया इसका यूज है। ये दो तीन इसके यूज हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए इस पार्किंग ब्रेक में। कई लोग होते हैं जिनको इस बारे में पता नहीं होता है, तो वो चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि इसको लगाने का जो तरीका है, कई लोग इसको जो लगाते हैं ऐसे करके लगा दिया, मतलब क्या करते हैं पूरी तरीके से ब्रेक को इंगेज नहीं करते हैं, हाफ हैंड ब्रेक लगा के ही चले जाते हैं, तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है पहाड़ी अगर किसी टेरेन में आप हैं। अगर आप किसी स्लोप पे खड़े हैं, पहाड़ पे खड़े हैं, तो आपको अपनी हैंड ब्रेक प्रॉपरली लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी आगे पीछे जा सकती है। तो आप इसको झटके से पूरा यूं करके ऊपर तक खींचिए ताकि आपकी ब्रेक्स पीछे अच्छे से लग जाएं और आपकी गाड़ी आगे पीछे ना जाए। दूसरा, आप अगर पहाड़ी रास्ते पे हैं, किसी ऐसे ज़्यादा मतलब इंक्लाइन वाले अगर आप ट्रेन में हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे खड़ी है, तो आप हैंड ब्रेक यूज़ करने के साथ साथ अपना ये जो गियर है दोस्तों इसको भी आप लगा के रखिए, फर्स्ट गियर या फिर रिवर्स गियर में आप गाड़ी अपनी डाल के रखिए, ताकि अगर इन केस हैंड ब्रेक से थोड़ा सी गाड़ी आगे पीछे जाती भी है तो आपका जो गियर है वो आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर ले, गाड़ी को रोक ले। ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा पहाड़ी रास्ता जगहों पे या फिर जहाँ पे भी ज़्यादा ऐसे समतल ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लोपी है, तो वहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको बहुत हल्के से यूँ लगा के चले जाएंगे तो आपकी गाड़ी आगे भी जा सकती है और नुकसान हो सकता है। दूसरा दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं इस हैंड ब्रेक में कि इसको अपनी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा के बहुत टाइम तक अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं, मान लीजिए हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए। तो देखिए, एक दो दिन हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो हर कोई करता है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हफ्ते 10 दिन के लिए उससे ज़्यादा अपनी गाड़ी को खड़ी करने वाले हैं किसी जगह पे, तो आप कोशिश कीजिए कि हैंड ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी ना खड़ी करें। क्योंकि दोस्तों हैंड ब्रेक लगाए गाड़ी खड़ी करेंगे तो उसमें पंगा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो वायर्स हैं काफ़ी ज़्यादा खींचे रहेंगे और आपके जो ब्रेक पैड्स हैं जाके आपके ड्रम से चिपके रहते हैं जितनी देर तक आपकी हैंड ब्रेक इंगेज रहती है। तो अगर आपके हैंड ब्रेक लगे हैं मतलब उतने टाइम के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए जो आपके ब्रेक पैड्स हैं आपके ड्रम से चिपके रहेंगे, और कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि चिपक जाते हैं, जब आप हैंड ब्रेक आप रिलीज़ करते हैं तब भी नहीं छोड़ते, चिपके ही रहते हैं, और आपकी गाड़ी के टायर जो हैं, आपकी गाड़ी के जो व्हील्स हैं लॉक हो जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उस केस में। स्पेशली जैसे भी रेनी सीजन चल रहा है, तो जिस तरीके की बरसात के महीने में इस तरह की दिक्कत आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि अभी क्या है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एनवायरमेंट में और आपके जो ब्रेक पैड्स हैं थोड़ा सा फूले रहते हैं और उनको चिपकने की जो उनकी संभावना है आपके ड्रम से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बारिश के महीने में कोशिश कीजिए, अगर आप 2-4 दिन के लिए भी अपनी गाड़ी कहीं पर खड़ी कर रहे हैं तो आप हैंड ब्रेक लगा के मत खड़ी कीजिए, हैंड ब्रेक आप रिलीज कर दीजिए। उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को आप किसी गियर में डाल के रख सकते हैं, फर्स्ट या रिवर्स गियर में डाल के रख सकते हैं, साथ ही लकड़ी के या पत्थर के कुछ टुकड़े अपने टायर्स के आगे और पीछे लगा सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी आगे पीछे ना जाए, आपके लिए बेटर रहेगा। लंबे समय के लिए जैसे मैंने आपको बताया हफ्ते 10 दिन के लिए आप हैंड ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी न छोड़ें। तो दोस्तों आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके गाड़ी की हैंड ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक किस तरीके से काम करती है, उसे काम करने का ओवरऑल तरीका क्या है, वो आपके नॉर्मल ब्रेक से कैसे डिफरेंट होती है, किस तरीके से काम करती है, इमरजेंसी में वो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगी, और आपको उसको यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट भी करना, जल्दी आप लोगों के लिए किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।